हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पीडी बुक से रेलवे सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में पार्ट थर्ड देखेंगे, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो। तो दोस्तों, जब कोई वस्तु जो है चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर जो है उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जी की इकाई यानी यूनिट है, तो जी की यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। दोस्तों, फार्मूला याद रखिएगा, एफ इजकल टू जी इंटू एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो एक वस्तु का वजन जो है सबसे अधिक कहाँ रखने पर होगा, तो ध्रुव पर रखने पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, डीएनए के द्वारा स्थानांतरण जो है पूरा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है, उच्च तापमान जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गतिमान वस्तु में होती है, तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर धातु तत्व है, तो सबसे कठोर धातु तत्व जो है प्लैटिनम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो बायनो क्यूलर यानी दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैरोमीटर का क्या उपयोग है, तो बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, जल का आयतन सबसे कम होता है, तो जल का आयतन जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो न्यूटन की गति का जो है कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, प्रथम नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्फांजो है, अल्फांजो जो है आम का एक प्रकार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, गति के नियमों की खोज किसने की, तो गति के नियमों का खोज जो है न्यूटन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो पत्ती करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने का कारण खाली स्थान की कमी होना है, तो विटामिन बी सिक्स की कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है, तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में क्या क्या शामिल है, तो लाइम सिलिका और एलुमिना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन जो है स्रावित होती है, तो पैंक्रियाज में स्रावित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था, तो यूरिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, कोण की इकाई अनिमात्रक होता है, तो रेडियन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है, तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग जो है किसमें होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है, तो द्रव्य में पृष्ठ तनाव जो है अणुओं के बीच कोहेसिव बल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी, तो किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, दालें किसकी अच्छी स्रोत है, तो दालें जो है किसकी अच्छी स्रोत है, प्रोटीन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है, तो पित्ताशय में संचित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रस्वेदन जो है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कैसी अवस्था में जो है पदार्थों की संपीड़ित करना आसान है, क्योंकि इस अवस्था में अणु जो है अपने मध्य दीर्घ अंतराल रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है, तो नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल जो है साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से किस गैस का उत्तरदायी ठहराया गया है, तो CO2
और CH4 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किसी रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर शीर्ष पर रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? ताकि संवहन धाराओं के द्वारा अंदर के पूरे भाग को ठंडा रख सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक साधारण घड़ी गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि पेंडुलम की लंबाई जो है बढ़ जाती है, इसलिए दोलन काल बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, जड़त्व अघूर्ण का मात्रक होता है, तो जड़त्व अघूर्ण का मात्रक जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक जूल बराबर होता है, तो एक जूल बराबर 10^7 अर्ग के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का स्थितिकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य जो है जीवाणुओं को नियंत्रित करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रेशम की कीड़ों का पालन कहलाता है, तो रेशम की कीड़ों का पालन जो है सेरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ध्वनि तरंगे होती है, तो ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत आंशिक तिर्यक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है, तो किसका उपयोग जो है ऊंचाई नापने के लिए होता है, अल्टीमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच के महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है, ठीक है। ओम का नियम फॉर्मूला था वी इजकल टू आई आर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन दोस्तों, कैमरे में उपयोग किया जाने वाला लेंस है, तो उत्तल लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक सदा स्थिर होता है, वह दिशा है उत्तर दक्षिण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय दुगना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थित उत्तलोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके, तो फोकस की दुगनी लंबाई पर रखी जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि, तो ऊंचाई पर खाना देर से बनता है क्योंकि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट होती है प्रकाश वर्ष होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, तो धातुएं किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, चालन के प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो अपेक्षिक घनत्व को मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस घर्षण का मान सबसे कम होता है, तो किस घर्षण का मान जो है सबसे कम होता है, तो लोटनिक घर्षण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो आशंका का क्या कारण है, विराम का जड़त्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षाधीन दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पित्तल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, मिश्रण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है, आँख के अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो है क्या कहलाता है, तो दृष्ट पटल यानी रेटिना कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, बॉयल नियम किस स्थिति में लागू होता है, तो बॉयल नियम जो है किस स्थिति में लागू होता है, तो नियत तापमान पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रहे हो, तो कहाँ पर जा रही हो, तो नीचे की ओर जा रही हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन वहन जो है एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूतिहीन यानी धुंधला होता है, परावर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नॉट का उपयोग होता है, तो नॉट का उपयोग जो है इसमें होता है, तो जलयानों की गति मापने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण है,
तो मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है गामा किरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एंटीजन एक पदार्थ है जो, तो एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षक तंत्र को चालू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निर्वात में विद्युत चुंबक तरंगों का वेग किसके बराबर होता है, तो निर्वात में जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग जो है किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समान ताप के दो गेंद टकराने में किस राशि का संरक्षण होता है, तो संवेग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पृथ्वी की भ्रमण गति, तो पृथ्वी की भ्रमण गति है 26.8 किलोमीटर पर मिनट लगभग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, तो तेलों के जमने में किसकी क्रिया होती है, तो असंतृप्त तेलों का उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस भौतिक राशि का मात्रक जो है टेक्सला है, तो किस भौतिक राशि का मात्रक जो है टेक्सला है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाए तो क्या होगा, तो किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर जो है अवधि बढ़ती है और वह घड़ी पीछे हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है, तो रॉकेट के कार्य का सिद्धांत रेखीय संवेग संरक्षण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार बराबर होता है, तो एक बार कितना के बराबर होता है, तो 10^5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिनोल का जिंक पाउडर के साथ आसवन करने पर प्राप्त होता है बेंजीन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पायरोमीटर का उपयोग किस राशि के मापने में किया जाता है, तो उच्च ताप मापने में जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समयावधि क्या होगा, तो दुगुनी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डायोड से धारा कितने दिशा में बहता है, तो डायोड से जो है धारा कितने दिशा में बहता है, तो एक दिशा में ही बहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो है हीरा है। कार्बोरेटर किस इंजन में होता है, तो कार्बोरेटर जो है पेट्रोल इंजन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक रेडिएशन पायरोमीटर में तापक्रम प्रयोग किया जाता है, तो एक रेडिएशन पायरोमीटर में जो तापक्रम प्रयोग किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द्रव में डूबी किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल निर्भर करता है, तो द्रव में डूबी किसी वस्तु पर जो है तो उत्प्लावन बल निर्भर करता है, किस पर करता है, तो वस्तु के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसके प्रयोग से भट्टी का तापक्रम मापा जाता है, तो पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो चाबी भरी घड़ी में जो है कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी अनजेनेटिक्स कहा गया है, तो वाटसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो 71% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पिंड की गति दुगुना की जाती है तो दोस्तों जब किसी पिंड की गति को दुगुना की जाती है तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है, संवेग यानी पी इजकल टू एम गुने भी होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी अगर दुगुना कर दिया जाता है तो क्या होगा, संवेग भी दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेंट्रियल सलेंख यानी प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन अवक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत है, तो सबसे अधिक लोहा प्राप्त करने का स्रोत जो है हरी सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निर्जलीकरण के दौरान शरीर में से कौन से पदार्थ सामान्यतः क्षय होता है, तो पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति जो है ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है, तो हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 किलोबाइट बराबर होता है, 1 किलोबाइट बराबर जो है 1024 बाइट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम जो है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान जो है सदैव अपवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, CFC यानी क्लोरो फ्लोरोकार्बन जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, इसका प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है, तो CFC यानी क्लोरो फ्लोरोकार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है, तो नीला हरा और लाल रंग। ठीक है, नीला हरा और लाल रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा,
आकार बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रमुख प्रदूषक है, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रमुख प्रदूषक जो है शोरगुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो मीथेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज जो है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो क्या कहते हैं, उसे एस्ट्रोइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो तत्काल ऊर्जा के लिए जो है एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन दोस्तों, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा यानी उत्तल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुँचेगा, तो तीनों वस्तु एक साथ आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन है प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, तो प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, तो रॉकेट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है, तो मिट्टी के तेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन है मोह मापनी का उपयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है, तो खनिज की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रोमीन किस वर्ग का है, तो ब्रोमीन जो है हैलोजन वर्ग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन है हुक का नियम लागू होता है, तो हुक का नियम लागू होता है प्रत्यास्था सीमा तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खून की कमी को कहते हैं, तो खून की कमी को एनेमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन है साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यक्तिकरण के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है एसी परिपथ में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, तो स्टेनलेस स्टील में जो है क्रोमियम आयरन और निकेल उपस्थित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो मधुमेह जो है इंसुलिन के द्वारा जो है संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किया था, तो रेडियो का आविष्कार जो है जी मार्कोनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि, तो दोस्तों स्टील रबड़ से अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोणीय वेग की इकाई है, कोणीय वेग की इकाई जो है रेडियन पर सेकेंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदर्श गैस समीकरण है, तो आदर्श गैस का समीकरण जो है PV=NRT है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन जल के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो जल के विद्युत अपघटन से जो है क्या प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, तो दोस्तों लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन एम्पियर माप किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो एम्पियर माप जो है किसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो बिजली में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सलित्व कितनी होती है, तो शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन है सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है, तो C2H4 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया, तो हृदय प्रत्यारोपण का संपन्न किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड कलील को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघटक सबसे कम सहायक है, तो K3FeCN6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है, तो क्रोमोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन है थायोसल्फेट आयन का I2 से उपचयन करने पर प्राप्त होता है, तो थायोसल्फेट आयन का I2 आयोडीन से उपचयन करने पर क्या प्राप्त होता है, तो SO4 प्राप्त होता है। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है, तो ज्योति तीव्रता का इकाई जो है कैंडेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किचन लेंस का नियम, सॉरी लेंस का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिमाण है, तो ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रक्षेप का पथ होता है, तो प्रक्षेप का पथ जो है परवलयकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की, तो पॉजिट्रॉन की खोज जो है एंडरसन ने वर्ष 1932 में की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सिलिकॉन की क्रिस्टल की आकृति होती है, तो पिरामिडीय होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है मिथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस जो है क्लोरोएसिटोफिनोन है, अली क्लोरोपिक्रीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, तो उर्ट्स अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फेलिंग बिलियन है, तो फेलिंग बिलियन है अमोनिक एकल कॉपर सल्फेट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है क्या कहलाता है, तो संयुग्मी प्रोटीन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी परमाणु की परमाणु संख्या है, तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या जो है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है, तो समय पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, तो बैक्टीरिया द्वारा जो है टाइफाइड फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेसेट क्या है, तो नेसेट जो है एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टेप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है, तो शून्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमेह रोग प्रभावित करता है, तो मधुमेह रोग प्रभावित करता है अग्नाशय को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है तड़ित चालक की खोज जो है किसके द्वारा किया गया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है, तो पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व लाइम सिलिका और एलुमिना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।